please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर में कश्मीरी परिवारों पर आतंकियों का हमला जारी है। एक हफ्ते में दूसरी बार अगवा करने के बाद हत्या की खबर आई। बांदीपोरा के हजन में आतंकियों ने कल परिवार पर हमले के बाद मंजूर भट्ट को अगवा कर लिया था, जिसका शव आज हाजन के ही बन मोहल्ला में मिला है। कल देर रात जब पूरा परिवार सो रहा था तो आतंकी फायरिंग करते हुए घर में दाखिल हुए और अब्दुल गफ्फार और उनके बेटे मंजूर भट्ट को अगवा कर ले जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद अब्दुल किसी तरह से आतंकियों के चंगुल से भाग निकले, लेकिन आतंकियों की गोली से वो बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन आतंकी मंजूर को अपने साथ ले गए, जिसका आज शव बरामद हुआ है। ये भी बता दें कि हफ्ते में कश्मीर में अपहरण के बाद हत्या की ये दूसरी घटना है। रिफत हमारे साथ जुड़ गए। रिफत, एक हफ्ते में दूसरी घटना, कश्मीरी परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है, युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही, पुलिस का कहना है कि मिलिटेंटों का ग्रुप जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। और ऐसा ही हुआ कि इससे पहले भी जो है एक घर में रात को दाखिल हुए बंदूक बरदार चार, जिनकी तादाद बताई जा रही थी, तो वहां पे दो औरतें जख्मी हो गई और उनके दामाद को साथ में लेके गए और दूसरे दिन उस दामाद की जो है लाश बरामद की गई। और कल भी ऐसा ही हुआ, जो रात के दौरान बंदूक बरदार घर में दाखिल हुए और उसके बाद जो है एक उनके बेटे को साथ में लेके गए, बाप जख्मी हो गया और आज उस बेटे की लाश जो है सरकटी लाश वहां ही हाजन एरिया में मिली और उसकी एक उंगली भी कटी थी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो दो मौत हुई, दो लोगों को मार दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसे एक खौफ भी पैदा हो गया इस इलाके में। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आप। पंजाब पुलिस ने केमिकल और विस्फोटक के साथ धमाके की साजिश रचने के आरोप में इंद्रजीत सिंह नाम के एक ISI समर्थक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इंद्रजीत सिंह हरियाणा के फरीदाबाद से इंजीनियरिंग और MBA की पढ़ाई कर चुका है और ISI से IED बनाने की ट्रेनिंग भी ले रखी है। पुलिस का दावा है कि ये पंजाब में विस्फोट करना चाहता था, जिसे पुलिस टीम ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने इंद्रजीत सिंह की गाड़ी से विस्फोटक तैयार करने का सामान बरामद करने का दावा भी किया है। पुलिस के मुताबिक इंद्रजीत सिंह से ISI ने फेसबुक के जरिए संपर्क किया था और फेसबुक पर ही उसे विस्फोटक बनाने के तरीके भी बताए थे। हरियाणा के झज्जर में लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह से कुछ छात्राओं ने निजी बसों के खिलाफ शिकायत करती नजर आई। कॉलेज आने जाने की समस्या बताते हुए छात्राओं ने राव नरबीर सिंह से बसों में इंतजाम की मांग की, लेकिन मंत्री इस मुद्दे पर पल्ला झाड़ते दिखे। हालांकि छात्राओं ने सबके सामने लोक निर्माण मंत्री को निजी बसों में होने वाली बस सलूकी के बारे में बताया। राव नरबीर सिंह झज्जर में लोगों की समस्याएं सुनने पहुंचे थे, जहां छात्राओं ने भी अपनी बात रखी। लेकिन जब राव नरबीर सिंह से मीडिया ने इस मुद्दे पर राय पूछी तो मंत्री ने जवाब देने के लिए कार्यकर्ता को आगे कर दिया। ये छात्राएं आसपास के गांवों से झज्जर पढ़ने के लिए आती हैं, लेकिन इनकी शिकायत है कि रोडवेज की बसें गांवों में रुकती नहीं और निजी बसों में इनके साथ बदसलूकी होती है। उनका विरोध करते हैं तो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं और अगर हमारे हम चलते बस में से नीचे उतारते हैं। बसों के मुद्दे पर छात्राएं कई बार अधिकारियों से भी शिकायत कर चुकी है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कुछ पुलिस वाले जमीन पर पड़े एक लड़की के शव का मुआयना करते नजर आए। आरोप है कि दूसरी जाति के लड़के से शादी करने से नाराज लड़की के घर वालों ने उसकी हत्या कर दी, जिसकी खबर होते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मकान के बाहर जमीन पर पड़े लड़की के शव की जांच करने लगी। आरोप है कि सरला नाम की इस लड़की की हत्या उसी के माता पिता और भाई ने की। जानकारी के मुताबिक सरला ने एक साल पहले घर से भागकर दूसरी जाति के लड़के से शादी कर ली थी, लेकिन गुरुवार को सरला के पिता और भाई ने माँ की बीमारी का बहाना बनाकर उसको वापस घर बुलाया। पिताजी लड़की के और भाई वहाँ उसके पास गए और उसको बोले कि जो होना था हो गया और तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, चल के देख लो। आरोपी की जैसे ही सरला अपने पति पंकज के साथ मायके पहुंची, उसके पिता और भाई ने धारदार हथियार से दोनों पर हमला कर दिया। तुम्हें जैसे ही मौका वारदात पर पहुंचा ना, तो उसके भाई ने उसके ऊपर कोयता चलाया। गरीमत ये रही कि सरला का पति पंकज इस हमले में बाल बाल बच गया। पुलिस ने हत्या के आरोप में सरला के पिता, भाई और माँ को गिरफ्तार कर लिया। G7-6E सैटेलाइट की नाकामयाबी के बाद इसरो अपने अगले मिशन में जुट गया है। अपने अगले मिशन के तहत इसरो एक भारी भरकम नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगा। जानकारी के मुताबिक 12 अप्रैल को इसरो यानी कि 8वीं नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। इस सैटेलाइट का नाम IRNSS-1L है। अंतरिक्ष में ये भारत की एक बड़ी छलांग होगी। इससे पहले अंतरिक्ष में नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष ने 2 साल पहले भेजा था।
लेकिन अब उस सैटेलाइट ने काम करना बंद कर दिया है। इसरो दावा कर रहा है कि नेविगेशन में मदद के लिए अंतरिक्ष में भेजी जा रही नेविगेशन नई सैटेलाइट की उम्र 10 साल होगी। 6 टन यानी करीब 600 किलो वजनी नई सैटेलाइट को पीएसएलवी के जरिए अंतरिक्ष में भेजा पाएगा। इससे पहले बेकार हो चुके नेविगेशन सैटेलाइट की जगह 31 अगस्त को इसरो ने एक नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी थी, लेकिन वो कोशिश तकनीकी खामियों की वजह से बेकार हो गई। इसरो के लिए 12 अप्रैल को होने वाली लॉन्चिंग दो वजहों से बेहद अहम है। पहली वजह यह है कि नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने की उसकी पिछली कोशिश बेनतीजा रही थी, और दूसरी वजह चंद रोज पहले अंतरिक्ष में भेजी गई सैटेलाइट GSAT-6A से संपर्क टूटने की घटना है। इसरो के वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि पिछली नाकामयाबियों का नई लॉन्चिंग पर कोई असर नहीं होगा। इसरो का दावा यह भी है कि सैटेलाइट GSAT-6A से संपर्क साधने की कोशिशें अभी भी जारी हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि दोबारा संपर्क साधा जा सकता है। GSAT-6A का मकसद भारतीय सेना के लिए संचार की सुविधाओं को मजबूत बनाना होगा। मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी की नई नेताओं से मिले। महाराष्ट्र के मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीएम देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ बैठक की, और इस बैठक से पहले खुद सीएम ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। राजस्थान के अजमेर में पांचवी की परीक्षा के दौरान एक स्कूल पर छात्रों को जमीन पर बैठाकर एग्जाम लेने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुराने विवाद की वजह से एक नाबालिग लड़की की तलवारों से हत्या कर दी गई। किए गए लोगों को छोड़ने की मांग करने लगे, लेकिन पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की एक न सुनी। और कांग्रेस के 5 कार्यकर्ताओं के खिलाफ शहर में जाम लगाने और बिना अनुमति के प्रदर्शन करने का मामला दर्ज कर लिया। शांति भंग करने का प्रयास भी कर रहे थे, रोड जाम करने का प्रयास कर रहे थे, इस पर 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस पर कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर बीजेपी के दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें पुलिस प्रशासन ने उन कार्यकर्ताओं को उठा लाए। सूबे में महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने इस प्रदर्शन का आयोजन किया था।